सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Realme के न्यू अपकमिंग स्मार्टफोन की, जो कि आपको Realme C सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, Realme अपनी C सीरीज के एक नए अपकमिंग स्मार्टफोन के ऊपर काम कर रहा है, जो कि होने वाला है Realme C25Y स्मार्टफोन। इस फोन के बारे में दोस्तों काफी सारे रूमर्स निकल कर आ रहे हैं, साथ ही गाइस इस फोन की स्पेक्स के रिगार्डिंग भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं Realme C25Y स्मार्टफोन के सभी स्पेक्स की, इसके डिजाइन की, साथ ही गाइस हम बात करेंगे कि फोन की प्राइस वगैरह क्या रहने वाली है और कब तक ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। तो स्वागत आप सबका टेक रोज पर। जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के टेक वीडियोस मिलती रहें। सो दोस्तों, Realme की सी सीरीज मिडन सेगमेंट के अंदर मिलने वाले स्मार्टफोन की सीरीज है, और इस सीरीज के अंदर आपको बेसिकली काफी अच्छे स्पेक्स वाले स्मार्टफोन काफी कम प्राइस पर देखने को मिलते हैं। अब इसी सीरीज के अंदर एक और स्मार्टफोन ऐड होने वाला है, जो कि होगा Realme C25Y स्मार्टफोन। तो जल्दी से बात करते हैं दोस्तों फोन की सभी स्पेक्स की, और देखते हैं दोस्तों कि कैसा स्मार्टफोन ये आप सबके लिए होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर हम बात करते हैं फोन की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि एक IPS LCD डिस्प्ले होगी और HD+ रेजोल्यूशन के साथ में आएगी। इसके साथ ही गाइस इस फोन की डिस्प्ले में आपको एक नॉच का डिजाइन देखने को मिलता है, जिसके अंदर सेल्फी कैमरा लगा होगा। तो डिस्प्ले के मामले में कोई भी चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जो कि Realme की इस प्राइस सेगमेंट के स्मार्टफोन्स में आपको दी जाती है। डिस्प्ले के बाद गाइस अगर हम बात करते हैं फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको यूनोसोस T610 चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी आपको Realme C21Y स्मार्टफोन के अंदर दिया गया था। तो परफॉर्मेंस दोस्तों आपको वही देखने को मिलेगी, जो कि Realme C21Y स्मार्टफोन के अंदर दी गई थी। इसके अलावा गाइस यहां पर आपको 4GB की रैम देखने को मिलेगी, जो कि 64GB तक की स्टोरेज के साथ में आएगी। इसके साथ ही गाइस यहां पर आपको एक वेरिएंट 6GB और 128GB वाला भी देखने को मिल सकता है। अगर एडिशनल स्टोरेज की बात करें गाइस, तो 256GB तक आप माइक्रो कार्ड की मदद से इसकी स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। तो परफॉर्मेंस के मामले में भी दोस्तों यहां पर आपको कोई भी अपग्रेड देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट गाइस अगर हम बात करते हैं इस फोन के मेन हाईलाइट की, जो कि है दोस्तों इस फोन का कैमरा सेटअप। जी हाँ दोस्तों, इस प्राइस सेगमेंट के बाकी स्मार्टफोन से काफी बड़ा अपग्रेड यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। इस फोन के अंदर आपको रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जिसका मेन सेंसर रहेगा 50 मेगापिक्सल का। इसके साथ ही गाइस 22 मेगापिक्सल के दो और सेंसर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एक मैक्रो और दूसरा डेप्थ सेंसर रहने वाला है। सेम 50 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ में Redmi 10 Prime भी लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात यह है कि Realme C25Y स्मार्टफोन Redmi 10 Prime स्मार्टफोन को कैसे बीट करता है। इसके साथ ही गाइस अगर हम बात करते हैं फोन के फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जिससे आप काफी अच्छी सेल्फीज और वीडियो कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस इस फोन के कैमरा सेटअप में कई और फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों कैमरा वाइज काफी अच्छा स्मार्टफोन ये रहने वाला है, और इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली दोस्तों काफी अच्छी इमेज क्वालिटी आप यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैमरे के बाद गाइस अगर हम बात करें फोन की बैटरी की, तो यहां पर आपको 5000mAh की एक बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 18W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आती है। तो कैमरे के साथ ही दोस्तों काफी अच्छा बैटरी बैकअप भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा, और काफी टाइम तक आप अपने स्मार्टफोन को यूज कर सकते हैं। कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं गाइस, तो यहां पर आपको रियर साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिलेगा, साथ ही 3.5mm का ऑडियो जैक और USB टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब गाइस अगर हम बात करते हैं फोन के कलर ऑप्शंस की, तो यहां पर आपको दो कलर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें ग्लेशियर ब्लू और मेटल ग्रे रहने वाले हैं। इनमें से आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पर वर्क करेगा, तो 4G कनेक्टिविटी के साथ में काफी अच्छी स्पीड यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अब गाइस अगर हम बात करते हैं फोन की प्राइजिंग की, तो इस फोन की प्राइजिंग रहने वाली है अप्रोक्स 11,000 के आसपास। इसके साथ ही गाइस ये स्मार्टफोन 20 सितंबर को इंडिया के अंदर लॉन्च होगा, और 27 सितंबर से इस फोन की पहली सेल स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आपको फ्लिपकार्ट पर देखने को मिलेगी। सो गाइस ये थी सारी इन्फॉर्मेशन Realme C25Y स्मार्टफोन के बारे में। आप हमें बताइए कि आप इस फोन के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या आप इस फोन को लेने में इंटरेस्टेड होंगे। अगर आपका कोई और भी कमेंट हो तो दोस्तों आप वो भी लिख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के टेक वीडियोस मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।